Hello, students, and welcome to Virtual Learning Network. This is session 9 for Research Methods in Business, and here we will discuss sources of data. The topics to be covered are meaning primary sources of data, secondary sources of data, advantages of secondary data, disadvantages of secondary data, and evaluation of secondary data. नाउ फर्स्ट इज मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा नाउ रि सर्च फॉर आंसर्स टू रि रिसर्च क्वेश्चन इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और डेटा होता है कोई भी ऐसे फैक्ट्स रॉ फैक्ट्स जो कि या फिर कोई भी रेलिवेंट मटीरियल जो पास्ट में रेलिवेंट थे या प्रजेंट में भी होंगे उन सबको डेटा कहते हैं और डेटा का जो कलेक्शन होता है जिस जिसके थ्रू हम आंसर्स को सर्च करते हैं जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं या रिसर्च क्वेश्चंस हैं उसको कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं सो डेटा आर फैक्ट्स एंड अदर रेलेवेंट मटेरियल पास्ट एंड प्रेजेंट सर्विंग एज बेसिस फॉर स्टडी एंड एनालिसिस एंड द डेटा नीडेड फॉर अ सोशल साइंस रिसर्च मे बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू डेटा पर्टेनिंग टू ह्यूमन बींग्स डेटा रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन डेटा पर्टेनिंग टू टेरिटोरियल एरियाज सो तीन टाइप के डेटाज होते हैं फर्स्ट हो गया जैसे कि ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड जो डेटा होगा दूसरा हो गया बिजनेस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा एंड थर्ड इज़ दी जोग्राफिकल एरिया और टेरिटोरियल एरिया से रिलेटेड डेटा नाउ नेक्स्ट इज़ पर्सनल डेटा पर्सनल डेटा या फिर जो भी डेटा ह्यूमन बींग से रिलेटेड है उसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स होते हैं या अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जैसे फर्स्ट है डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स इसके अंदर आ जाएगा एज रेस सोशल क्लास रिलीजन मैरिटल स्टेटस एजुकेशन ऑक्यूपेशन इनकम एट्सट्रा सेकेंड इज़ बिहेवियल डेटा और बिहेवियल वेरिएबल्स बिहेवियल वेरिएबल्स में आ जाएगा जैसे कि उनके बिहेवियर से एसोसिएटेड जो चीज़ें होती हैं ह्यूमन बींगस के बिहेवियर से जैसे कि एटीट्यूड ओपिनियन अवेयरनेस नॉलेज एट्सेट्रा देन ऑर्गेनाइजेशनल डेटा कंसिस्ट ऑफ डेटा रिलेटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी कंपनी से रिलेटेड डेटा जो होता है जैसे कि ओरिजिन ओनरशिप ऑब्जेक्टिव रिसोर्स फंक्शंस प्रोसेस एट्सेट्रा एंड देन इट इज़ टेरिटोरियल डेटा टेरिटोरियल डेटा हो जाएगा जैसे कि जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया जैसे कि रिसोर्स एंडोमेंट पॉपुलेशन ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ अ विलेज सिटी तालुक डिस्ट्रिक्ट एट्सेट्रा सो ये अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं देन इज़ दी डेटा हाउ डेटा इज़ यूज़फुल डेटा एक तरह से रॉ मटीरियल होता है या किसी भी एनालिसिस के लिए जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके लिए बेसिस की तरह सर्व करता है और अगर हम फैक्चुअल डेटा को ठीक से एनालाइज़ नहीं करेंगे या फिर कोई भी स्पेस उसको अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो हम स्पेसिफिक इन्फ्रेंसिस ड्रॉ नहीं कर सकते अपने क्वेश्चन के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को के लिए कंक्लूजन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है दैन डेटा फॉर्म द बेसिस फॉर टेस्टिंग दी हाइपोथीसिस फॉर्म्युलेटेड इन आ स्टडी ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी हम हाइपोथीसिस फॉर्म्युलेट कर रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए भी डेटा ज़रूरी है किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन या कोई भी रॉ फैक्ट्स डेटा आल्सो प्रोवाइड्स दी फैक्ट्स एंड फिगर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग मेजरमेंट स्केल्स एंड टेबल्स विच आर एनालाइज्ड विद स्टाटिस्टिकल टेक्निक्स सो डेटा जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं फैक्ट्स और फिगर्स जो कि मेजरमेंट स्केल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं और जिसके थ्रू हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करके एनालाइज करते हैं कोई भी अपनी हाइपोथीसिस को अब दो तरीके के डेटा होते हैं प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस। अब प्राइमरी सोर्सेज वाले डेटा वो हो गए जो हमें प्राइमरीली यूज़ करने हैं या फिर प्राइमरी सोर्सेज वो हो जाते हैं जो हमने पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेटा कलेक्ट किया है और सेकेंडरी सोर्सेज हो जाते हैं पहले किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा कलेक्ट किया था और उसको अब हम किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर रहे हैं सो फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा नाउ दे आर ओरिजिनल सोर्सेज फ्राम विच द रिसर्चर डायरेक्टली कलेक्ट्स डेटा दैट हैव नॉट बीन प्रीवियसली कलेक्टेड सो एक तरह से ओरिजिनल सोर्सेज होते हैं कि हमने डेटा अभी कलेक्ट किया है ओरिजिनली यानी कि पहले किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कलेक्ट नहीं किया था अभी किया है देन प्राइमरी डेटा आर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू वेरियस मैथड्स सच एस ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूइंग मेलिंग एक्सेट्रा देन प्राइमरी डेटा आर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन फर्स्ट एंड इंफॉर्मेशन होती है जो हम प्रेजेंटली कलेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू इंटरव्यू के थ्रू या फिर मेल्स के थ्रू एंड दे इंक्लूड कलेक्शन ऑफ डेटा डायरेक्टली बाई द रिसर्चर ऑन ब्रांड अवेयरनेस ब्रांड प्रेफरेंस ब्रांड लॉयल्टी एंड अदर आस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ कंज्यूमर बाय देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डेटा फर्स्ट इज इट इज़ ओरिजिनल सोर्स ऑफ डेटा डेटा का ओरिजिनल सोर्स होता है क्योंकि हम ओरिजिनली इसको कलेक्ट करते हैं कहीं से यूज़ नहीं करते ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ नहीं करते देन सेकेंड इज़ इट इज़ पॉसिबल टू कैप्चर द चेंजेस अकरिंग इन कोर्स ऑफ टाइम सेकेंडरी डेटा जो होता है वो कुछ टाइम बाद ऑब्सलीट हो जाता है लेकिन ये जो डेटा होता है प्राइमरी डेटा वो हम प्रेजेंटली कलेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए जितने भी टाइम के साथ साथ चेंजेस हो रहे हैं उनको भी कैप्चर uh, करना ईजी हो जाता है उनको रिकॉर्ड करना ईजी हो जाता है देन इट इज़ फ्लैक्सीबल टू दी एडवांटेज ऑफ द रिसर्चर रिसर्चर जो चाहे जैसे चाहे कलेक्ट कर सकता है तो इसलिए इसकी फ्लैक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है देन एक्सटेंसिव रिसर्च स्टडी इज़ बेस्ड ऑन प्राइमरी डेटा जितनी भी रिसर्च स्टडी होती है उसका बहुत बड़ा पार्ट प्राइमरी डेटा पे ही बेस्ड होता है so these all are the advantages of primary data next is disadvantages of primary data ab isko collect karne mein thodi difficulty aati hai to isliye it is expensive to obtain then it is time consuming to time ज़्यादा लगता है इसे collect करने के लिए अगर हमारे पास पहले से ही कोई data पड़ा है जो हम किसी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं जो बहुत पहले कलेक्ट हुआ था तो उसमें टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा उसे यूज़ करने के लिए लेकिन प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए टाइम लगता है देन इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रिसर्च पर्सनल हु आर स्किल्ड प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए स्किल्ड पीपल की ज़रूरत पड़ती है स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है जो एक्सपीरियंस्ड हो या फिर जिन्होंने इस एरिया की जिन्हें नॉलेज हो दैन इट इज़ डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर फिर उसको मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है नेक्स्ट इज मेथर्ड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा नाउ प्राइमरी डेटा आर डायरेक्टली कलेक्टेड बाई द रिसर्चर डायरेक्टली रिसर्चर इसे कलेक्ट करता है उनके ओरिजिनल सोर्सेज से इन दिस केस द रिसर्चर कैन कलेक्ट द रिक्वायर डेटा प्रिसाइसली अकॉर्डिंग टू हिस रिसर्च नीड्स ही कैन कलेक्ट दैम वैन ही वॉन्ट्स दैम एंड इन द फॉर्म ऑफ वट ही नीड्स और हाउ ही नीड्स दैम सो रिसर्चर अपने आप से कलेक्ट करता है तो इसलिए वो उस फॉर्म में कलेक्ट कर सकता है जितना उसे चाहिए और जैसा चाहिए और उसके नीड्स क्या हैं इन सब को ध्यान में रखते हुए डेटा कलेक्ट करता है बट दी कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड इन सच केसेज वेयर द एवेलेबल डेटा आर इनअप्रोप्रिएट जब एवेलेबल डेटा इनअप्रोप्रिएट होता है इनएडिकुएट होता है प्राइमरी डेटा उस टाइम पे ज़रूरी हो जाता है गैदर करना सो दे इंक्लूड सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ़ रूरल कम्यूनिटीज़ ट्राइबल कम्यूनिटीज़ सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशनस दैन अलग अलग मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्शन के लिए एंड अ मेथड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ टूल वाइल अ मैथड रेफर्स टू अ वे और मोड ऑफ़ गैदरिंग डेटा अ टूल इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दी मैथड अब मेथड और टूल्स अलग अलग होते हैं टूल्स तो होते हैं कि हम कैसे डेटा को गैदर कर रहे हैं कि मतलब एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है उस मेथड को अप्लाई करने के लिए और मैथड होता है एक प्रोसेस होता है कि क्या हमें करना चाहिए एक डेटा को गैदर करने के लिए वे हमारा क्या होगा देन अब अलग अलग मेथड्स हो गए जैसे कि ऑब्जर्वेशन खुद से ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सेकेंड पर्सन को इंटरव्यू करके हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वी कैन यूज़ मेल सर्विस मेल्स के थ्रू क्वेश्चन एयर भेज दें अलग अलग कैंडिडेट्स को और फिर वो फिलअप करके हमें डेटा प्रोवाइड करें एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हम कर सकते हैं मॉडलिंग के थ्रू सिमुलेशन के थ्रू एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू देन इज सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा these are sources containing data which have been collected and compiled for another purpose जब हम डेटा किसी दूसरे पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं लेकिन उसे अब किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा इट कंसिस्ट ऑफ ऑलरेडी कंपाइल्ड स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स हुज डेटा मे बी यूज्ड बाय रिसर्चर्स फॉर देयर स्टडीज सो एक तरह से सेकेंडरी डेटा क्या होता है स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जो पहले ही किसी ने कलेक्ट करके कंपाइल की थी या फिर कोई भी रिपोर्ट्स हो सकती हैं जो रिसर्चर्स अब अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सेंसस रिपोर्ट्स एनुअल रिपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एट्सट्रा अब जैसे कि गवर्नमेंट की भी डिपार्टमेंट की अलग अलग रिपोर्ट्स हो सकती हैं बैंक्स की रिपोर्ट्स हो सकती हैं स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं रीजनल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स की ये सारी चीज़ें जो होंगी ये सेकेंडरी डेटा में आती हैं क्योंकि ये कलेक्ट किसी और पर्पज़ के लिए की गई थी लेकिन अब किसी और पर्पज़ के लिए इसको यूज़ भी किया जा सकता है देन

फीचर्स ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज अब सेकेंडरी सोर्सेज के अलग अलग काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट है दे आर रेडीमेड एंड रेडीली अवेलेबल रेडीमेड होते हैं क्योंकि काफ़ी पहले से किसी ने कलेक्ट करके रखे हुए थे एंड दे डू नॉट रिक्वायर दी ट्रबल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टूल्स एंड एडमिनिस्ट्रिंग दैम सो यहाँ पे क्या है कि इनमें कई कंस्ट्रक्टिंग टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये पहले से ही कलेक्ट हुए हुए हैं देन सेकेंड इज़ दे कंसिस्ट ऑफ डेटा विच अ रिसर्चर हैज़ नो ओरिजिनल कंट्रोल ओवर कलेक्शन एंड क्लासीफिकेशन तो इसमें वो डेटा होता है जिसपे रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता या फिर उसकी क्लासीफिकेशन पर भी कोई कंट्रोल नहीं होता बोथ दी फॉर्म एंड दी कंटेंट ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज आर शेप्ड बाई अदर्स किसी और ने इसे कलेक्ट किया था और किसी और की थिंकिंग के हिसाब से ही डेटा को प्रोसेस किया गया है

next is use of secondary data now फर्स्ट सम स्पेसिफिक समिफिकॉर्मेशन फ्राम सेकेंडरी सोर्स में भी यूज फॉर रेफरेंस पर्पसेस जैसे कि अगर हमारे पास एक बुक है बुक हमारी अगर कोर्स के साथ है तो वो हमारा प्राइमरी डाटा है और अगर वो एक रेफरेंस के लिए एक टॉपिक को स्टडी करने के लिए हम रेफरेंस बुक का यूज कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी डेटा होगा तो हम सेकेंड्री सोर्स को रेफरेंसेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दिनरल स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन द नंबर ऑफ कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ इन दी Their coverage of villages, their capital, etc., may be taken up from published reports and quoted as background information in a study on the evaluation of performance of cooperative credit societies in a selected district or state.

and finally third is it may be used as the sole source of information for the research project and such studies as securities market behavior financial analysis of companies trade and credit all allocation in commercial banks etc next is advantages of secondary data अब सेकेंडरी डेटा की कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं जैसे कि फर्स्ट है सेकेंडरी डेटा इफ़ अवेलेबल कैन बी सिक्योर्ड क्विकली एंड चीपली अगर हमारे पास सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है तो हम उसको क्विकली और चीपली यूज़ कर सकते हैं चीप भी होता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है और टाइम भी कम कंज्यूम करता है कलेक्शन में सेकेंड इज वाइडर ज्योग्राफिकल एरिया एंड लॉन्गर रेफरेंस पीरियड मे बी कवर्ड विदाउट मच कॉस्ट हम ज्यादा एरिया कम कॉस्ट में कवर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा रेडीली अवेलेबल है इट इज़ अ रेडी मेड डेटा सो द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा एक्सटेंड्स द रिसर्चर स्पेस एंड टाइम रीच थर्ड इज द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा ब्रॉडेंस द डेटा बेस फ्राम विच साइंटिफिक जनरलाइजेशन कैन बी मेड तो सेकेंडरी डेटा का जब हम यूज करते हैं तो हमारा डेटा बेस का साइज़ भी इंक्रीज हो जाता है वो ब्रॉड कर देता है हमारे एरिया ऑफ रिसर्च को दैन इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल सेटिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी किसी भी बिजनेस प्रोसेस की एनवायरमेंटल और उसकी कंडीशन क्या है कल्चरल सेटिंग्स क्या है वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं द यूज़ ऑफ सेकेंड्री डेटा एनेबल्स अ रिसर्चर टू वेरीफाई द फाइंडिंग्स बेसज ऑन प्राइमरी डेटा दैन नेक्स्ट इज डिसवानस ऑफ सेकेंड्री डेटा एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं सेकेंडरी डेटा की जैसे कि फ़र्स्ट है दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन इज़ दी एवेलेबल डेटा मे नॉट मीट आर स्पेसिफ़िक नीड्स क्योंकि डेटा किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया गया था तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा हमारे लिए पूरी तरीके से यूजफुल हो हमारी नीड्स को ठीक से सेटिस्फाई न कर पाए ये उसकी एक डिसएडवांटेज हो सकती है देन दी अवेलेबल डेटा मे नॉट बी एज एक्यूरेट एज डिज़ायर्ड कभी कभी उसकी एक्यूरेसी भी प्रॉपर नहीं होती देन सेकेंडरी डेटा हो सकता है कि अप टू डेट ना हो बहुत पहले उसे कलेक्ट किया गया हो और आज के टाइम में वो ऑब्सुलेट हो जाए दे बिकम ऑब्सुलिट वैन दे अपीयर इन प्रिंट बिकॉज ऑफ टाइम लैग इन प्रोड्यूसिंग दैम देन फोर्थ इज़ फाइनली इंफॉमेशन अबाउट द वेर अबाउट ऑफ सोर्सिस में नॉट बी अवेलेबल टू ऑल सोशल साइंटिस्ट कि कहाँ से डेटा कलेक्ट किया गया था कौन से एरिया को डिफाइन कर रहा है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें पता चल सके या रिसर्चर्स इसके बारे में जान सकें सो ये भी एक उसकी लिमिटेशन होती है देन नेक्स्ट इज़ इवेलुएशन ऑफ सेकेंड्री डेटा नाउ वेन अ रिसर्चर वॉन्ट्स टू यूज सेकेंडरी डेटा फॉर हिज रिसर्च ही शुड इवेलुएट दैम बिफोर डिसाइडिंग टू यूज़ देम तो सेकेंड्री डेटा को यूज़ करने से पहले रिसर्चर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो कैसे उसको इवेलुएट करे डेटा इवेलुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है तभी डेटा को ठीक से यूज़ किया जा सकता है और इसके लिए तीन स्टेप्स होते हैं फर्स्ट इज डेटा पर्टिनेंस इसमें क्या होता है कि रेलिवेंसी चेक करता है कि डेटा हमारे लिए रेलिवेंट है कि नहीं अगर डेटा रेलिवेंट है तो सेकेंड स्टेप पर जाएंगे दैट इज डेटा क्वालिटी उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि वो अप टू डेट है कि नहीं आज के टाइम में उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है और उसके बाद फिर हम देखते हैं डेटा कंप्लीटनेस यानी कि डेटा कितना ज्यादा कंप्लीट है या इनकंप्लीट है और क्या-क्या और चीजें हमें कलेक्ट करनी है सो फर्स्ट इज डेटा परटिनेंस द फर्स्ट कंसीडरेशन इन इवैल्यूएशन इज टू एग्जामिन द दैट इज रेलेवेंस ऑफ द अवेलेबल सेकेंडरी डेटा टू दि सर्च प्रॉब्लम अंडर स्टडी सो इसमें हम कुछ क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो हैं वट आर दी डेफिनेशन एंड क्लासीफिकेशन इम्प्लॉयड जो डेटा में डेफिनेशन या क्लासीफिकेशन या कैटेगराइजेशन हैं वो क्या क्या हैं फिर मेजरमेंट्स वेरिएबल की मेजरमेंट्स के लिए क्या चीज़ यूज़ की गई है या क्या मेजरमेंट्स यूज़ की गई हैं एंड वट इज़ दी कवरेज ऑफ सेकेंडरी डेटा इन टर्म्स ऑफ टॉपिक एंड टाइम Then next is data quality. The quality of data refers to their accuracy, reliability and completeness. उसकी accuracy कैसी है reliability उसकी और उसकी completeness कितने हद तक वो complete है ये तीनों चीज़ें refer करती हैं quality पर कि quality क्या है तो इसके लिए हम जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हैं जैसे कि वट इज़ दी अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड नेम कितना चलता है अगर वो वेल well रिकोगगनाइज्ड है तो वो रिलायबल है कि नहीं इज़ इट केपेबल ऑफ कलेक्टिंग रिलायबल डेटा तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डेटा क्वालिटी के अंदर

कि क्या मैथडोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी और किस टाइप से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है ये हो गया सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन था जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्राइमरी डेटा की तरह काम कर रहा था उस पर डिपेंड करता है सो इज़ द मैथडोलॉजी अडॉप्टड बाई देम साउंड इज़ द सैम्पल साइज स्मॉल और लार्ज एंड इज़ द सैम्पल मेथड अप्रोप्रिएट ये तीन क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं डेटा कंप्लीटनेस को रेफर करने के लिए Now here are some questions for you first is what are the types of data and second is how is secondary data useful to researcher that's all for this session thank you and have a nice day